हेलो गाइस वेलकम बैक टू क्लाउडी एम लास्ट क्लास में हमने uh, वो देखा था uh, दो चार्ट्स देखे थे रबन चार्ट और फनल चार्ट आज हम लाइन चार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम लाइन चार्ट को बनाते कहाँ हैं तो लाइन चार्ट को बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जबकि हमें फील्ड यूज करना हो जनरली हम ट्रेंड ट्रेंड रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन चार्ट का यूज करते हैं तो लेट्स सी कि लाइन चार्ट कैसे काम करती है और क्या होता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया बिताबी भी भी जस्ट जब हमने रिबन चार्ट पढ़ा था तो कि रिबन चार्ट में जब हम डेट डेट uh, को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक हायरार्की क्रिएट हो जाती है सिंपली यहाँ पे भी क्योंकि हम डेट यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक हायरार्की क्रिएट हो जाएगी इफ़ अब आप नोटिस करोगे तो पहले तो ये रिबन चार्ट की फॉर्मेटिंग मैं सिंपली कॉपी करूंगी और इसको लाइन चार्ट पे जाके पेस्ट कर दूँगी ठीक है और इसके बाद फिर ये करने के बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा चेंजेस करने हैं फ़ॉर एन एग्जाम्पल आपको ग्रीड लाइन्स हटानी है तो ग्रीड लाइन्स हटा दो और आपको वाई एक्सिस में चेंजेस करने हैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल वैल्यूज़ को बोल्ड करना है या उसके साइज़ उसके कलर को चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर लो तो आप डिफरेंट चेंजेस यहाँ से कर सकते हो सो so, मेरा मेन मकसद आपको बताने का ये था कि लाइन चार्ट में बेसिकली एक चीज जो है वो ऑर्डर ऑर्डर वो एक डेट होनी चाहिए अब क्योंकि डेट है तो ऑटोमेटिकली हर बन गई अब लेट्स से हम एक लेवल नीचे जाते हैं तो ये पर क्वार्टर 2014, 15, 16, 17 हमारे पास कितने चार साल का डेटा है 14, 15, 16, 17 ठीक है अब इन सारे सालों में जो भी क्वार्टर वन के टोटल सेल्स होंगे वो यहाँ शो हो रहे हैं इन चारों सालों के क्वार्टर टू के जो भी सेल्स हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं क्वार्टर थ्री के यहाँ शो हो रहे हैं क्वार्टर फोर के यहाँ शो हो रहे हैं सिमिलरली आप एक लेवल और ड्रिल डाउन करोगे तो जनवरी महीने के चारों साल का सम इतना है फेबररी का इतना है और सिंपली आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे हम इफ आप और फर्दर ड्रिल डाउन करोगे तो और ड्रिल डाउन ये डे वाइज हो गया तो ये ड्रिल डाउन था हमारा जब हमने ये वाला बटन सेलेक्ट किया था दैट इज गो टू नेक्स्ट लेवल इन द आर बट एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल इन हायर जब हम करेंगे तो हम नोटिस कर रहे हैं कि जनवरी के लिए अलग है जनवरी 2014 के लिए अलग है फिर इसके बाद से मिलियरली यहाँ से यहाँ तक बेसिकली स्पेस नहीं है तो ये उसने तो इतने अच्छे से शो नहीं करा है अदरवाइज आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जुलाई के लिए है एंड सो ऑन सिमिलरली आप एक लेवल ऑल ड्रिल डाउन करोगे तो ये आपको ऐसे दे रहा है पर मंथ के लिए एज वेल सिमिलरली आप एक लेवल ऑल ड्रिल डाउन करोगे तो ये डेज के लिए भी दे रहा है तो आप ड्रिल डाउन करके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे चीजों को चेक कर सकते हो यहाँ पे इफ आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे पहले तो आप फॉर्मेट में जाओ यहाँ पे एक सेकेंडरी वाई एक्सिस भी है लेट्स से मैं यहाँ पे प्रॉफिट डालती हूँ और देखती हूँ कि क्या होता है अगर मैंने प्रॉफिट डाली तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे हमें सेल्स ये तो मिल ही रहा है सेल्स तो मिल ही रहा है पर ईयर का साथ-साथ हमें प्रॉफिट भी मिल गया तो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे एक ही डायग्राम में दो एक्सिस के हेल्प से दो चीजें शो कर सकते हैं फॉर एन एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर दूंगी ताकि ये चीजें अलग दिखें थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लो यहां पे कलर को चेंज करके अलग कर लो तो ये सारे चेंजेस मैंने वाई एक्सिस में कर दिए टाइटल आई डोंट वांट लेजेंड इफ आपको चाहिए ऑन कर लो नहीं चाहिए ऑफ कर लो मुझे चाहिए तो मैंने ऑन कर लिया ग्रीड लाइंस अगेन ऑन ऑफ आपकी मर्जी है टेक्स्ट कलर ब्लू है ब्लू ही रहने दो टाइटल रहने दो लाइंस लाइन्स आपको सॉलिड रखनी है डॉटेड रखनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो मुझे सॉलिड लाइन ही सही लग रहा है तो मैं सॉलिड ही रखूंगी स्ट्रोक वेट आप पे डिपेंड करता है अपने हिसाब से चेंजेस कर लो कलर भी आप चेंज कर सकते हो लेट्स से प्रॉफिट का कलर मैं ग्रीन करना चाहती हूँ और इसका ब्लू ही रहने देना चाहती हूँ तो वो चेंजेस भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ मार्कर अभी ऑफ है ऑन कर लो तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब पे एक मार्कर जैसा डॉट सा बन जाएगा अगेन आप इसकी भी टाइप चेंज कर सकते हो लाइक ऐसे कर लो जो भी मर्जी है आप वो साइज में कर सकते हो तो मुझे डॉट ही सही लग रहा है तो मैं डॉट ही रहने देती हूँ इसका भी साइज आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो तो वाइस जिस हिसाब से चार्ट होगी ना उस हिसाब से आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन चेंज हो रहे हैं आप नोटिस करो तो लाइन्स के बाद मार्केट्स के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है डेटा लेबल्स का ऑन करना चाहो तो ऑन ऑफ करना चाहो तो ऑफ सीरीज लेवल भी है इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप सम ऑफ प्रॉफिट सम ऑफ ये दिख रहा है मतलब कौन सा लाइन क्या शो कर रहा है वो इस सीरीज लेवल के थ्रू आप देख सकते हो मैक्सिमम विथ ऑटो कर सकते हो ऑन ऑफ जो भी है कर सकते हो सीरीज पोजिशन राइट में चाहो तो लेफ्ट भी कर सकते हो बट मुझे राइट right सही लग रहा है तो सो मैं राइट right ही रखूंगी वैल्यूज अगेन चाहो तो उसकी साइज़ को इंक्रीज कर लो बोल्ड कर लो थोड़ा सा डिक्रीज ही कर लो ठीक है इसके बाद कलर चाहो तो चेंज करके कुछ भी कर लो जो आपकी मर्जी फिर उसको बोल्ड कर लो और बैकग्राउंड अभी इसका ब्लैक है बैकग्राउंड ऑन ही नहीं है ऑन कर लो बट मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो ऑफ ही रहने दो सो so, ऐसे करके आप एक नॉर्मल सी लाइन चार्ट बना सकते हो जहाँ पे कि आप प्रॉफिट और सेल्स uh, दोनों एक ही एक ही डायग्राम में दिखा सकते हो यूजिंग सेकेंडरी वाई एक्सेस सो आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको अगेन अब जैसा कि इसको अगेन ड्रिल डाउन करते हैं ड्रिल डाउन करोगे तो इसमें आपको दोनों लाइंस दिखेंगे लाइक सेल्स बढ़ रहा रहा है कहां रहा है घट जैसे यहां इस पॉइंट पे देखो सेल्स काफी ज्यादा कम हो गया बट प्रॉफिट उसी टाइम पे इंक्रीज किया तो आप ऐसे चीजों को एक ही टाइम पे एनालाइज करने के लिए इसका यूज कर सकते हो सो आई होप लाइन चार्ट इज क्लियर टू यू यूगाइ की लाइन चार्ट कैसे बनता है क्या मतलब होता है और चीजें कैसे चलती हैं लाइन चार्ट पे लेट मी रीनेम इट एज लाइन चार्ट लाइन चार्ट ठीक है लाइन चार्ट के बाद जो दूसरा चार्ट आता है वो है एरिया चार्ट अब अगेन एरिया चार्ट क्या होता है मैं काम करती हूँ इसी का एक डुप्लीकेट बनाती हूँ डुप्लीकेट पेज और इफ मैंने कोई भी डुप्लीकेट बनाया है और इफ मैं यहाँ पे ये ग्राफ सेलेक्ट करती हूँ तो ये सिंपली उस ग्राफ में चेंज हो जाता है इफ मैं पाई पाई करूंगी तो ये पाई चार्ट बन जाएगा तो मुझे इसी को एरिया चार्ट बनाना है क्योंकि मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ एरिया चार्ट का कि एरिया चार्ट का कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली exactly है क्या कुछ तो दिक्कत हुई इसमें क्योंकि ये चार्ट ऐसे नहीं आना चाहिए कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ गए क्या हो गया अच्छा एक्सेस चेंज हो गई प्रॉफिट को डालो अब सही है ठीक है इफ आप नोटिस करोगे तो जो लाइन चार्ट यहां बनी थी क्वार्टर वाइज है इसको थोड़ा ऊपर ठीक है जो लाइन चार्ट बनी थी सेम लाइन चार्ट भी बनी है बस डिफरेंस क्या है किसके अंदर का जो एरिया है वो शेडेड आ गया सो एरिया चार्ट में क्या होता है सेम इट इज सेम एज अ लाइन चार्ट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि ये जो एरिया होगा वो बस शेडेड होगा इफ आप नोटिस करो तो ये एरिया जो आ रहा है ये शेडेड एरिया है अब लेट्स अगेन गो टू पावर बी आई ओवर हियर ये मेरा पावर बी आई है इसमें इफ इस हम चाहे तो लाइन चार्ट में भी लेजेंड्स डाल सकते थे लाइन चार्ट्स में हमारे पास लेजेंड का ऑप्शन था यहाँ पे इफ हम लेजेंड डालें कैटेगरी तो देखते हैं क्या होता है माय बैड लेट मी मूव कैटेगरी टू लेजेंड्स ठीक है तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है लेकिन इफ हम लाइन चार्ट एरिया चार्ट में जाए और यहाँ पे इफ हम कैटेगरी को मूव करें ये क्या हो रहा है माय बैड कैटेगरी शुड बी हेयर इन लेजेंड नहीं जा रहा है रीजन डाले लेजेंड्स में तो भी नहीं जा रहा है अब ये क्यों नहीं जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वाई प्रॉफिट uh, ले रखा है सम ऑफ वाई एक्सेस का इफ हम इसको रिमूव करें और तब कैटेगरी डाले लेजेंसी में तब इसने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी चार्ट टू डिस्प्ले ईच एंड एवरी सो दिस इज द रीजन कि ये एक बार में एक ही चीज एक्सेप्ट कर रहा है आइदर दिस और आइदर दैट वॉट हैपेन्ड ओवर हियर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सम ऑफ सेल्स ठीक है यहाँ पे अगेन प्रॉफिट आप चाहो तो प्रॉफिट दिखा सकते हो लाइक like दिस तो चेंजेस हो गए हैं लेट मी डिलीट दिस वन ठीक है आई होप आप समझ गए कि लाइन चार्ट क्या होता है और इसको डुप्लीकेट कर दिया है मैंने दस्ट बिकॉज क्योंकि मैं दोबारा सेम चीज़ उतनी स्टार्टिंग से नहीं करना चाहती थी इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया और ये सिंपली सॉरी इसको एरिया चार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आई होप एरिया चार्ट इज़ ऑल्सो क्लियर कि एरिया चार्ट क्या होता है और कैसे चीज़ें चलती हैं एरिया चार्ट में अब एरिया चार्ट के बाद और लाइन चार्ट के बाद एक आता है कॉम्बो चार्ट इस कॉम्बो चार्ट में लाइन और स्टैग्ड कॉलम दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं तो चलो देखते हैं ये कैसे चलता है अगेन मी ओपन ओके सो कॉम्बो चार्ट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड कॉलम चार्ट एंड इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डुअल एक्सिस चार्ट क्योंकि यहाँ पे दो दो चीजें एक साथ हम रिप्रेजेंट uh, करेंगे और ये हमें मदद करता है कॉम्पेयर करने के लिए एक साथ दो चीजें तो लेट्स गो एंड सी कि कैसे चलेंगी चीजें कॉम्बो चार्ट में तो ये कॉम्बो चार्ट मैंने पिक कर लिया है और उसको पिक करने के बाद मैं डेट वाइज डेट वाइज सेल्स ओके डेट वाइज नॉट प्रोवाइड डेट वाइज सेल्स एंड आई वांट प्रॉफिट एज लाइन ऑफ वाई एक्सेस ओके सो so, आप नोटिस कर पाओगे कि हर ईयर का सेल्स आपको दिख रहा है जो कि ये आपको ग्राफ दिख रहा है ये बार दिखा रहा है और ये जो लाइन है ये उसी ईयर का आपको प्रॉफिट दिखा रहा है तो अब आप अगेन जो भी आपने चेंजेस इसके थ्रू किए हैं वो सिंपली आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर कर लो ताकि जितने भी बेसिक चेंजेस हैं वो अप्लाई हो जाए वो आपको बार बार ना करनी पड़े और बाकी जो भी थोड़ी बहुत चीजें बची हैं वो आप खुद से कर लो तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल्स वो टू जीरो फोर एट लेकिन उसी ईयर में जो प्रॉफिट था वो 50 के था सिमिलरली सेल्स वो 0.47 पॉइंट यहाँ पे और 62 के था प्रॉफिट तो यूजिंग कॉम्बो चार्ट आप एक ही चार्ट में दो चीजें दिखा सकते हो अगेन यू कैन गो एंड बाई फर केट ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टर मंथ एंड डेज और इफ़ आप ड्रिल अप करोगे तो ये ड्रिल अप होके ऊपर तक पहुंच जाएगी सिमिलरली ड्रिल डाउन लाइक दिस फॉर ईच ईयर ईच क्वार्टर अगेन फॉर ईच ईयर ईच क्वार्टर ईच मंथ यू कैन डू लाइक दिस सेप्ट इज क्लियर कि क्लस्टर्ड कॉम्बो चार्ट कैसे काम करता है अगेन यहाँ पे रिनेम कर लो आप इसको कॉम्बो चार्ट तो कॉम्बो चार्ट भी हमारे पास दो टाइप का है दूसरा टाइप का जो कॉम्बो चार्ट है वो है ये वाला अब ये कैसे काम करता है तो यहाँ पे अगेन हम ऑर्डर डेट डालेंगे ऑर्डर डेट के साथ सेल्स डालेंगे तो आप देख पा रहे हो कि सेल्स और ऑर्डर डेट एक साथ आ रहा है और यहाँ पे ऑर्डर डेट नहीं डालो या तो ठीक है यार रहने दो और फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी डालो तो ऐसे आ गया यहाँ पे प्रॉफिट को नीचे डालो अब देखो आपके पास कॉलम लेजेंड भी है फॉर एन एग्जाम्पल कैटेगरी डालती हूँ मैं कॉलम लेजेंड में ठीक है तो अब आप देख पा रहे हो कि हर ईयर के लिए जो पहले हमने ये बनाया था इसमें ये चीजें नहीं थी बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर चीज में हर कॉलम में डिफरेंट डिफरेंट कलर भी शो हो पा रहे हैं तो ये होता है क्लस्टर्ड कॉम्बो चार्ट जो कि यहाँ पे है तो आई होप ये चीज एक क्लियर है कि कैसे हमने कॉम्बो चार्ट बनाया सिमिलरली आप यहाँ पे भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब तक आप इन सारी चीजों का रिवीजन और प्रैक्टिस करके रखो देन टेक केयर स्टे सेफ बाय गाइस